को देखा जाए। आज आप जिन गांवों को, जिन शहरों को छोड़कर के चले गए थे,
यार प्रॉब्लम्स भी आई, लोगों ने कब्जे कर लिए, लोगों ने क्या कर लिए, और उसके बाद में जो भी हुआ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की गया, और जिन्होंने वहाँ नाम कमाया है हमारे देश में उनका सम्मान भी, वेलकम, उनका सम्मान किया गया, और मैं उनका आभारी हूँ। यार का कहना है जो हमारी कॉलोनी बसी है उसके बारे में मैं मदद कराऊँगा, वहाँ अपना मकान जरूर बुक कराएंगे। जब कभी आपको जयपुर आना पड़े, नहीं आना पड़े, जयपुर आना पड़े, तो कम से कम आपका एक हाउस गुलाबी शहर में और वो आपकी सुरक्षा प्राप्त हो जाए आदमी में, एक्सक्लूसिवली फॉर NRIs, कोई दूसरे आदमी उसमें नहीं रहते, बेहतरीन कॉलोनी है जिसकी सारी सुख सुविधाएँ उस पर रखी गई और वैसी रखी गई है जैसी आपको फॉरन में मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे NRI इन्वेस्टमेंट करना कम पसंद करते हैं इंडिया में, क्या पता उनका पैसा डूबता है या है, पता नहीं। लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसने अपनी मातृभूमि को जन्मभूमि को भुला दिया उसका दुनिया में कोई नहीं है, कहीं नहीं। कई लोग विदेशों में एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरी अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित, मुझे इंडिया की धरती पर ले जाया जाए, वही मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, तो ऐसी भावना हमें होनी चाहिए। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप गुलामी से हमें पढ़ा रहे, यहाँ की परंपरा है, एक साफा आम मान और खान का प्रतीक माना जाता है, रवन जिसे कहते हैं, यहाँ लोग पगड़िया पगड़ी रख करके लाखों रुपये उधार ले लिया करते थे। लोग जानते थे कि ये अपनी जबान से बदल जाए लेकिन इस पगड़ी का सम्मान जरूर करेगा, इसको छुड़ाने के लिए जरूर आएगा इंडिया। इतनी हमारी यहाँ की पगड़ी पॉपुलर है, यानी किसी मकान को रेंट रखने की जरूरत नहीं, रहन रखने की जरूरत नहीं, लोन लेते समय लोग पगड़ी रख करके ही अपना लोन ले लेते थे और बोरे से सुख रूप से ही उसकी रकम छुपा दिया करते थे, इतना मान और सम्मान होता था पगड़ी का। और वो पगड़ी आज आप सबको यहाँ पहनाई जाएगी, आपका वेलकम किया जाएगा, और उस पगड़ी को हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि वो राजस्थान की आन और बान और शान की आप हमारे देश को बना रहे, और कोई तकलीफ आपको हुई हुई हो, जब कोई कठिनाई आपने महसूस हुई हो, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि आप इसको यही भूल जाए, अपने साथ इसको ले जाए, यहाँ की खूबियाँ ले जाए अपने साथ, यहाँ की अच्छाइयाँ ले जाए, यहाँ की जितनी भी आपकी खासियतें आप देखी हैं कल देखेंगे उसको अपने साथ में मधुर स्मृतियाँ बना करके अपने साथ ले जाए। थैंक यू वेरी मच, मैं आभारी हूँ भाई वीरेंद्र सिंह जी का, दीपक सिंह जी का, और चरण स्पर्श करता हूँ आदरणीय माता जी का कि आपने मुझे याद किया, मुझे आपके बीच में आपसे मौका दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। में गोवा क्यों भी लेके जाते हैं आप, उन्हें कहीं और किसी शहर में क्यों लेके जाते हैं, पर हमारा जयपुर के साथ जैसे आपने कहा हरभजन सिंह जी ने ऐसे नींव डाली है जयपुर की कि दिल्ली के वगैरह जयपुर में कुछ सोच नहीं सकते, और आज जैसे दोस्त हमारे साथ हो तो और आदमी को और जगह में जा सकते। यू ओनली वॉन्ट टू गो टू अ प्लेस वे यू आर रिस्पेक्टेड, वे यू एटलीस्ट पीपल लिसन टू एंड दिस मैन आई टेल यू व्हेन ही इज द मिनिस्ट्री ही गॉट थिंग्स अलॉटेड फॉर आस मेड पीपल वेलकम, इंडस्ट्रीज बनाई गई यहाँ पे, स्कूल खोले हैं, एमिटी यहाँ खुला हमारा चौहान जर्मनी से जो चौहान सा है, तो यूनिवर्सिटी के बारे में इनका ही प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल खुला है, लास्ट ईयर होम मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वॉज देयर, उन्होंने बड़ी हमारे चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर भी आपके बीच में आ चुके हैं, उन्होंने बहुत सी स्कीमें बताई थी, और आप दीपक सिंह जी से वो फॉर्म मैं इनको भिजवा दूंगा, नेट से आप चोट करें और उसके बाद उसको देख करके आप भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं दीपक सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, और हम आपके अलॉटमेंट में मदद करेंगे, कोई भी आपको दिक्कत हो जरूर लीजिए, आप जब सबका साकार करिए, मकान होना चाहिए आपके लिए, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉमिनल चार्ज इंस्टॉलमेंट में भी उपलब्ध है, इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं, सारी व्यवस्था है, उसमें आप भाग लीजिए, नाम अनाउंस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अनिल कुलकर्णी, डॉक्टर अनिल कुलकर्णी प्लीज आइए, आइए आगे आइए, तो भारतीय देखना प्लीज।
Thank you.
with them. Yes, please. Because there we know the system might, so never mind. Thank you.
Wait, thank you. No, don't worry.